हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत है इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में, जिसमें हम एक म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन द लास्ट वीडियो हम हमारे थिंग्स पे वर्क कर रहे थे एंड हमने हमारे एप्लीकेशन के लिए कुछ कस्टम थिंग्स भी बनाए थे। बट अगर मैं अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन चालू करता हूँ एंड अगर मैं थीम चेंज करता हूँ, आप देखोगे ये जो साइड में नेविगेशन हेडर है, इसके अंदर ये जो ग्रेडियंट कलर है, ओके, ग्रेडियंट कलर मीन्स मिक्सचर ऑफ टू कलर्स, ये जो इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है। एंड लेट्स से मैं थीम चेंज करता हूँ तो ग्रेडियंट कलर भी चेंज होता है। सो लेट्स से दिस वन, एंड ऐप जब स्टार्ट होती है तो ग्रेडियंट कलर भी चेंज होता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट करें। एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमेशा यही रहता है, चाहे आप थीम चेंज करो या कुछ भी करो। सो हम लोग इसे चेंज करने वाले इस वीडियो में अकॉर्डिंग टू आर थीम। सो लेट जस्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले हमें ग्रेडियंट क्रिएट करना है। सो ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए ड्रॉएबल में आ जाओ, जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, एंड यहाँ पे फाइल का नेम दे देता हूँ मैं, एंड मैं इसे ग्रेडियंट अंडरस्कोर ब्लैक दे देता हूँ पहले वाले को, लेट से। एंड यहाँ पे सिलेक्टर हटा के मुझे शेप यूज करना पड़ेगा, ओके, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पे शेप मेंशन करूंगा, विच इज रेक्टेंगल इन आर केस, यहाँ पे ग्रेडियंट। एंड उसके बाद इस ग्रेडियंट में आप कुछ एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर सकते हो। सो आपको यहाँ पे स्टार्ट कलर देना पड़ेगा। सो लेट्स से ये ब्लैक एंड व्हाइट है तो इसका स्टार्ट कलर जो होगा वो ब्लैक होगा, एंड ब्लैक का मतलब होता है सारे जीरो, सिंस ये कलर ऑलरेडी है तो हम इसे यूज कर सकते हैं। एंड एंड कलर, इन दिस केस अगर आप एंड कलर नहीं भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एंड व्हाइट ही है बाई डिफॉल्ट। एंड यहाँ पे आप ये भी मैंशन कर सकते हो टाइप, यहाँ पे तीन ऑप्शन है। अगर आप रेडियल सेट करोगे तो कुछ ऐसा सा दिखेगा, मुझे रेडियल नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल में लीनियर चाहिए, सो मैं लीनियर ही सेट करता हूँ। एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके, एंड दैट्स इट। एक ग्रेडियंट हमने क्रिएट कर लिया, ऐसे हमें और ग्रेडियंट्स क्रिएट करने। सो मैं इसे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, सिंपली जस्ट कॉपी दिस फाइल एंड मैं ड्रॉएबल में पेस्ट कर दूंगा। एंड मैं इसका नेम चेंज कर दूंगा, ग्रेडियंट ब्लैक से लेट्स से ग्रेडियंट पिंक, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। सो ग्रेडियंट पिंक सेट कर लेते पहले। सो यहाँ पे हमें स्टार्ट कलर एंड एंड कलर चाहिए ग्रेडियंट पिंक के लिए। सो मैंने ऑलरेडी ये कलर जो है कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रखे, सो मैंने सिंपली ये कॉपी कर दूंगा एंड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप इन्हें कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। एंड जस्ट यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करने वाला हूँ, ओके, सिंस ये कस्टम कलर से मुझे थोड़े अच्छे लगे इसलिए मैंने ये रखा है, ओके। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, आपको जो ग्रेडियंट रखना है सिर्फ ये कलर से। एंड आप इससे कई ज़्यादा एडवांस ग्रेडियंट्स भी बना सकते हो, ये काफ़ी सिंपल ग्रेडियंट है एंड ये मेरे हिसाब से अच्छा दिख रहा है। अब सिमिलरली मुझे बाकी ग्रेडियंट्स भी क्रिएट करने, सो जस्ट कंट्रोल सी एंड पेस्ट इट हियर, कंट्रोल वी, एंड इसका नेम मैं लेट्स से ब्लू कर देता हूँ एंड हिट ऑन ओके। एंड और पेस्ट कर देता हूँ फाइल्स को, सो मुझे फिर से कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड इसका नेम मैं पर्पल कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास टोटल 5 ग्रेडियंट्स है, पर्पल, ओके। एंड अगेन किस फिर से कॉपी करना पड़ेगा मुझे, एंड इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड लास्ट वन दैट इज ग्रीन, सो ग्रीन एंड हिट ऑन ओके। अब सबके लिए वर्क करते हैं। सो ब्लैक का काम हो चुका है, पिंक का वर्क हो चुका है, सो मैं इसे बंद क्लोज कर देता हूँ। एंड ब्लू के साथ हमें वर्क करना है, सो लेट्स से दिस फाइल एंड यहाँ से मैं ब्लू का कोड जो है कॉपी कर लेता हूँ, एक कलर कोड है एक्चुअल में हेक्साडेसिमल का, एंड मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ सिंपली। एंड अनदर वन ये वाला, एंड यहाँ पे ओके। सो ब्लू ग्रेडियंट भी अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट पे वर्क करते हैं, ग्रेडियंट पर्पल, सो पर्पल। एंड ये कोड अगर आप देखोगे थोड़ा सा बड़ा है, ओके, एंड पर्पल, जस्ट पेस्ट इट हियर। एंड नेक्स्ट वन, ओके, इसका एंड कलर, एंड ओके, एंड लास्ट वन एक बच गया है, दैट इज ग्रीन, बाकी सब हो चुके हैं। सो मैं पर्पल क्लोज करता हूँ एंड ग्रीन जस्ट पेस्ट इट हियर। एंड नेक्स्ट वन ये वाला, ओके, एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो। सो हमने ग्रेडियंट्स क्रिएट कर लिए, अब हमें सिर्फ इन्हें सेट करना है। सो इसके लिए सबसे पहले मैं मेन एक्टिविटी में इनकी तरह ही दो एरेज बनाने वाला हूँ। सो वैल, एंड इसमें इसका नाम मैं रख ले तो करंट ग्रेडियंट इज इक्वल टू एरे ऑफ, एंड पहला आर डॉट ड्रॉएबल, सिंस ये ड्रॉएबल के अंदर रखे गए, डॉट
एंड पहला पिंक होना चाहिए. ओके सो ग्रेडियंट पिंक कॉमा आर डॉट ड्राइवल डॉट ग्रेडियंट ब्लू. ओके एंड इनका ऑर्डर मैटर करता है. सो आर डॉट ड्राइवल डॉट ग्रेडियंट पर्पल एंड आर डॉट ड्राइवल डॉट ग्रेडियंट ग्रीन. ओके एंड मैं नेक्स्ट लाइन पे आ जाता हूँ. एंड आर डॉट ड्राइवल डॉट आखिरी ब्लैक. सो ब्लैक एंड अब हमें इन्हें सेट करना है. सो इन्हें सेट करने के लिए सबसे पहले आपको हमारा जो नेविगेशन हेडर था उसे एक आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोग बाइंडिंग की तरह इसका वर्क नहीं कर सकते. सो यहाँ पे ये नेव हेडर नाम का हमने जो बनाया था ओके ये वाला इसे मैं एक आईडी प्रोवाइड करने वाला हूँ. सो सिंपली कोड्स में आ जाता हूँ मैं एंड ये जो लीनियर लेआउट है इस लीनियर लेआउट को एक्चुअल में मैं एक आईडी देने वाला हूँ. सो सिंपली आईडी लीनियर लेआउट नेव जिसे मुझे पता चला है नेविगेशन हेडर का है. ओके उससे ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं. अब मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं एंड इसके अंदर हमें एक्चुअल में वर्क करना है ग्रेडियंट्स के लिए. सो मेन एक्टिविटी में ऑन ऑप्शंस मेन्यू क्रिएटेड मेथड जो हमने राइट किया है ओके सो नीचे आ जाते हैं एंड ओके ऑन रिज्यूम के नीचे मेथड है ऑन क्रिएट ऑप्शंस मेन्यू. सो ये हमारे मेन्यू को इनिशियलाइज करने का वर्क करता है. सो इसके अंदर हम लोग ग्रेडियंट के लिए कोड लिखेंगे एंड ये मैं चाहता हूँ मेन्यू इन्फ्लेटर के नीचे लिखूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड यहाँ पे फॉर सेटिंग ग्रेडियंट ओके एंड यहाँ पे मुझे वो कोड लिखना है जिससे ग्रेडियंट इनिशियलाइज हो जाएगा. सो मैं सिंपली इसके अंदर लिखूंगा फाइंड व्यू बाय आईडी एंड लीनियर लेआउट. सिंस हमने लीनियर लेआउट सेट किया हमारे नेव हेडर के अंदर उसके अंदर ही आईडी प्रोवाइड की है इसके अंदर आर डॉट आईडी डॉट लीनियर लेआउट नेव. ओके ये आईडी हमने भी जस्ट प्रोवाइड की थी एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है डॉट. उसके बाद अगर आप ये नहीं लिखते तो आपकी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है. ओके सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क से ये सिर्फ इनिशियलाइज इतना बताता है कि अगर नल नहीं है तो ही वर्क होना चाहिए. एंड उसके बाद सेट बैकग्राउंड रिसोर्स फंक्शन कॉल करना है हमें एंड इसके अंदर जो ग्रेडियंट है वो सेट करना है. सो सिंपली करंट ग्रेडियंट एंड इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे जो हमारा थीम इंडेक्स है जो भी करंट थीम है उस हिसाब से ग्रेडियंट सेट हो जाए. एंड अब एक बार मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करके चेक करते हैं. सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है. एंड अगर मैं ग्रेडियंट्स के यहाँ पे आके देखता हूँ ऑलरेडी ग्रेडियंट सेट हो चुका है और मेरे हिसाब से अच्छा दिख रहा है ब्लैक थीम के हिसाब से. लेट्स से मैं थीम चेंज करता हूँ पर्पल यस एंड ये फिर से इनिशियलाइज हो चुका है. अगर मैं फिर ग्रेडियंट देखूँ ये चेंज हो चुका है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.